दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली की शिक्षा क्रांति से डरी हुई है, इसलिए सीबीआई से छापा करवा रही है। केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिस दिन न्यूयॉर्क टाइम्स में मनीष की फोटो छपी है उसी दिन सीबीआई की रेड पड़ी है। आज मनीष सिसोदिया को दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षा मंत्री घोषित किया गया, लेकिन उसके घर सीबीआई पहुंच के रेड मारने के लिए। तो अड़चने बहुत आएंगी। पिछले 7 साल में भी कोई आसान काम नहीं था न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे आना और दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति करना। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है, ये पहली रेड नहीं है। पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतेंद्र जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके, कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। तो सीबीआई अपना काम कर रही है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को हम अपना काम करने दें, उनको ऊपर से आदेश हैं कि भाई इनको तंग करना है, ऊपर से आदेश हैं, अड़चने अड़ाओ। अड़चने आएंगी, काम नहीं रुकेगा। अड़चनों से काम किसी भी हालत में रुकने देना नहीं है। अब एक ही अपना मकसद है, इनके भरोसे अगर देश छोड़ दिया तो ये लोग भारत को कभी आगे नहीं आने देंगे, हमेशा टांग खींचेंगे। अब 130 करोड़ लोगों को मिलके भारत को आगे ले जाना है।